प्रिय आम का अचार बना रहे हैं। तो इसमें आम को काट दिया है, मम्मी ने काटे हैं। ये देखिए आप टब में, ये थोड़े बहुत आम थे जो हमारे बगीचे में लगे हुए हैं। तो इनको 4 या 5 पीस में काटा है क्योंकि आम छोटे थे। और बगल में वो डिब्बा है, उसमें ये रखना है। बाकी ये इसमें साबुत, सौंफ, मेथी और कसूरी मेथी और भुना हुआ जीरा है। और ये इसमें खड़े मसाले हैं, साबुत मसाले जो पिसे हुए हैं, लौंग, मसाले वाली इलायची और मिर्च, ये चीज़ें हैं। उसमें थोड़ी बहुत हींग भी डाली हुई है। इधर कढ़ाई में तेल गरम किया हुआ है जिसको डालेंगे उसमें। बाकी इसके अलावा नमक और धनिया पाउडर अपने हिसाब से डालना है। अब हम अचार को फाइनली ब्लेंड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं उसको मसाले के साथ में। तो मम्मी करेगी ये। और ये देखिए, ये आम के टुकड़े हैं, इसमें तेल था जो अभी दिखाया था आपको मम्मी ने, कुछ इसमें डाल दिया। तो मिक्स करेंगे उसको, ये सब इसमें ब्लेंड करना है चम्मच के थ्रू, हाथ नहीं लगाना उस पर। ये मसाले जो बताए थे आपको, ये सौंफ, जीरा और मेथी है इसमें, और कसूरी मेथी भी है। ये मसाले हैं जो मम्मी अपने हिसाब से डालेगी। चलो अब देखते हैं। ये सारे खाली कर दिए हमने। इसमें मिर्च भी है, मिर्च का अचार मुझे बहुत पसंद है, तो इसमें मिर्च भी है। ऐसे ब्लेंड करना तो मुझे भी नहीं आता है। हमने इसमें कलौंजी जो प्याज का बीज होता है वो नहीं डाला है क्योंकि मम्मी खाती नहीं है उसको। अब ये मसाले उस ऊपर से पोर कर दिए, स्प्रिंकल है ना, ये हम दूसरा मसाला डाल रहे हैं, ये अपने हिसाब से डालेंगे इसको। इसमें लौंग भी है, मिर्च भी है। अभी तेल ज़्यादा नहीं डालना होता है क्योंकि इसको धूप में सुखाना है तो तेल बह जाएगा सारा बर्तन में। इसको एक डब्बे में रखेंगे अभी पूरा ब्लेंड करने के बाद में। हाँ डाल दीजिए आप पूरा, क्योंकि इसमें और बढ़ाएंगे बाद में हम। और नमक और धनिया भी डालना पड़ेगा इसमें। डालना है वो चाइनीज सॉल्ट भी है, वो भी डालना है जो चाउमीन में डालते हैं वाला नमक। नहीं सिरका, नमक तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। मिर्च हमने साबुत मसाले में डाली हुई थी तो इसकी ज़रूरत नहीं है, हल्दी ज़्यादा हो गई मेरे हिसाब से। तो इसको फेंट रहे ऐसे दूसरी टेक्निक से, वो जल्दी हो जाएगा इसमें। और ये अब हम डब्बे में भरेंगे इनको। एक मिर्च नीचे गिर गई है। मेज को भी पहले हमने सैनिटाइज करा हुआ था क्योंकि मेहमान आ रहे थे कल के। ऐसी
मेहमान इंसान तो जाम हो जाओ ले जाओ इसको। इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए हमने दालचीनी का पत्ता भी डाला हुआ, तेज पत्ता, उससे अभी धीरे धीरे वो स्मेल छोड़ेगा। तो ये है ये ये, इसको दो पेट रख दो। अब इसको डब्बे में भरना है कि कढ़ाई के साथ ही धूप में रखना है? इन ऐसे ही रखें, कवर में छोड़ देता। ठीक है, बाद में करना। हमें ध्यान रखना होगा कि इनको बंदर ना खाएं। चलिए आप मेरे को दीजिए। बंदर खा लो तो मार से नहीं लगनी, तब बजाओ तब खाने उनको। ले चल, अब इसे धूप में रखेंगे। यहाँ पे सनलाइट अच्छी है तो इसको धूप में सुखाएंगे पहले, फिर उसके बाद डब्बे में भर लेंगे इसको, और फिर डब्बे में और तेल डाल के उसको सुखाएंगे।